हर महादेव। अभी मैं हूँ 80 घाट पे और जैसा कि आप देख सकते हैं घाट पे सफाई चल रहा है। यहाँ पे गंगा जी का पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा था। 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो पीछे मेरे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं सारी सीढ़ियाँ डूब चुकी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गंगा जी का पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया था। जनरली हर साल सितंबर अक्टूबर में गंगा जी में बाढ़ आता है और जितना मेरे आप पीछे देख सकते हैं अभी वो जहाँ पे LED स्क्रीन चल रही है उसके नीचे तक गंगा जी का पानी जाता है, जिसकी वजह से जो घाट के सारे होटल्स वगैरह हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बोट राइड पूरी तरीके से बंद हो जाती है। गंगा आरती, क्योंकि गंगा मैया की आरती होना ज़रूरी है इसलिए एक शास्त्री जी आके आरती करके चले जाते थे। ये हर साल का डेटा था। उसी के ब्याह पे मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगले 15-20 दिन में पानी वहाँ तक जाएगा, तो पानी अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ा था और फिर अचानक से बहुत तेज़ी से पानी कम भी हो गया। तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा है घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोट राइड भी शुरू कर दिया गया है। जैसा कि अभी गंगा जी का पानी जो है थोड़ा सा बहाव तेज़ है उसमें, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो जल पुलिस है उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही बोट राइड अलाउड किया है। दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती में नाव लगाना अलाउड नहीं है। 80 घाट पे भी गंगा आरती होती है, दशाश्वमेध पे भी होती है। दोनों घाट पे जो आरती का पैटर्न है वो एकदम सेम तरीके से होता है। ये नहीं कि वहाँ की अच्छी होती है यहाँ की कम अच्छी होती है। जो शास्त्री लोग जी गंगा आरती करते हैं वही लोग करते हैं, जो ड्रेसिंग है और सारी चीज़ें एक ही तरीके से हैं। बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात ये करें तो दशाश्वमेध घाट पे बैठने के लिए उतना स्पेस नहीं है जितना 80 घाट पे है। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है और आप उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो आप 80 घाट पे लाकर उन्हें बैठा के गंगा आरती दिखाएं। अगर आप यंगस्टर हैं और आप एक्सप्लोर करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है, पैदल भीड़ में 1-1.5 घंटे पैदल चल सकते हैं, फिर आप दशाश्वमेध पे गंगा आरती देखने के लिए जाएँ। अगर आप बोट राइड करना चाहते हैं जो कि 1-1.5 घंटे का होता है 80 घाट से लेके नमो घाट तक, तो उसके लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको प्राइवेट बोट अरेंज कराएंगे जिसमें आप लोग 2 लोग 5 लोग 10 लोग जो भी हों, वो सारा डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और जैसे हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे आपको सारा हम टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर बता देंगे। उसके लिए हम आपका प्राइवेट बोट बुक कर देंगे। आप घाट पर आएंगे आराम से आपकी बोट होल्ड रहेगी। बोट में आपको सारे घाट घुमा देंगे 80 घाट से लेके नमो घाट तक, जिसमें आपके 84 घाट्स कवर होते हैं। और गंगा आरती शुरू होती है शाम को 7 बजे, तो 6 बजे तक आप बोट राइड करके घाट पे आ जाएंगे। आप घाट पे बैठ के गंगा आरती देखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी क्योंकि आप पास से देख पाएंगे। जैसा कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं और जिसमें घाट खाली है, 6 बजे तक भी घाट लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। बैठने के लिए आपको सीढ़ियों पर स्पेस मिल जाएगा। अगर आप बोट से देखना चाहेंगे तो बोट से घाट की जहाँ पे आरती होती है उसकी दूरी देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ नावें लगी हैं तो जो विजिबिलिटी है गंगा आरती देखने की वो प्रॉपर उतनी अच्छी मिल नहीं पाती है। इसलिए आपको हम रिकमेंड यही करते हैं कि अगर आप जल्दी पहुँच जा रहे हैं तो बोट राइड अपना कवर करके घाट पर बैठ के गंगा आरती अटेंड करें। बाकी अगर आपने बोट पर बैठ के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई आपके रिलेटिव आने वाले हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि यहाँ पे आने के बाद उन्हें ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम कोई भी न फेस करना पड़े कि उनको पता नहीं है कि मंदिर कब खुलेगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर महादेव।